आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बंगाल में भाजपा नेताओं के अमले पर की गई पत्थरबाजी के विरोध स्वरूप किया गया पुतला दहन। गत दिनों बंगाल में एक निजी कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, जिसके बीजेपी के शीर्ष नेताओं को चोट लगने पर घायल हो गए, जिसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पर भी भाजपाइयों द्वारा कड़ा विरोध जताकर महामहिम राष्ट्रपति से मांग की गई कि ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। इससे पूर्व भी तृणमूल सरकार ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। भाजपा मंडल के द्वारा चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। मंडल के अध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा, उपाध्यक्ष राजू कोलिया, दिनेश सोलंकी, गोरेलाल सोलंकी, राजू चौहान, राजेश सिंह चौहान, सुगन कौर जाधव, मांगीलाल राठौर, जगदीश वाजकरिया, रमेश मोरे, मनसाराम मंडलोई, रामू भाई सिंधिया, लक्ष्मीकांत सूर्यकर, पदम राठौर, विष्णु सिंह दांगी, अशोक गुप्ता, मानक पाटिल, सेलुका का भावसार, प्रहलाद सिंह वास्कले, राजू मालवी, गब्बू पटेल एवं समस्त भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने विरोध जताकर मौन रैली निकाली। मिष्ठान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर जो पश्चिम बंगाल में प्राणघात हमला हुआ, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल मिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने हमने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो है उनको वहाँ की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण कुशवाहा, मिष्ठान मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।